रचना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24 प्लस। सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद ने वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वित्त 2022 का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। विशेष अतिथियों प्रोफेसर डॉक्टर लखविंदर सिंह, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जे सी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेश दत्ता, श्रीमती सलोनी कॉल अध्यक्ष फरीदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, श्री दीपेंद्र कांत प्रिंसिपल सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में उद्योग व एजुकेशन जगत के कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगा दी। इस कार्यक्रम में कई तरह की गतिविधियों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरीदाबाद के अन्य कॉलेज अरावली, एक्लॉन, मानव रचना आदि ने भी कार्यक्रम का आनंद उठाया। स्टैंड अप कॉमेडियन श्री विजय यादव ने अपने कार्यक्रम द्वारा सबका बहुत मनोरंजन किया। स्किपर क्रू द्वारा फ्लिप फ्लॉप डांस प्रस्तुति श्री अजीम एंड ग्रुप्स के नेतृत्व में की गई। वह असर बैंड ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रोफेसर डॉक्टर लखविंदर सिंह, डॉक्टर वीरेश दत्ता व श्रीमती सलोनी कॉल ने अपने शब्दों में से सबको प्रोत्साहित किया। सतयुग दर्शन कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता त्रिहान ने अपने उत्साहवर्धक शब्दों से सबका आधार व्यक्त किया। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल द चीफ गेस्ट्स एंड गेस्ट्स ऑफ ऑनर हू हैव गैदर्ड हियर टुडे। We are here to celebrate our annual cultural festival, Vetratva 2022. So it's really great to see all these crowds and all these swarms of students who have come after a long, long time. This has been a long overdue actually. We couldn't hold this even for the past 2 years since 2020 because of the pandemic. Last year we had to hold it in online mode. But it's been held after a gap of 2 years. So it's really great to see this kind of environment. We are really blessed to have some very eminent personalities also with us. We have people from the JC Bose University, we have from IIT Delhi, we have from FMA, and so many other industry partners. And there are institutes, principals and faculty, and so many students showcasing their performances, and it's really amazing to see all their enthusiasm. And I really congratulate all, one and all the faculty members, all the participating students. मैं विनीता चौधरी, electrical department में पढ़ाती हूँ, वित्रत्व की coordinator, cultural coordinator सतयुग दर्शन। क्या लगता है कि मैम आज जो कोरोना काल के बाद जो इतना बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, कैसा लग रहा है? देखिए, 2 साल से बच्चे घर पे थे, वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे क्राउड आज बहुत सारा आया हुआ है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बात था स्टार्ट करने का कि अब कोरोना खत्म हो गया तो हम दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। जो बच्चे आए हैं कितना लाइफ में चेंज पा रहे हैं कोरोना काल की बात में, इंजॉयमेंट कैसी कर रहे हैं? ये तो सर देखो, आप और हम भी देख ही सकते हैं, हम लोग भी काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं। हमेशा वो मास्क लगाना और टेम्परेचर और ये सब, अभी वो सब खत्म हो गए, दोबारा से आपस में बात बात कर पा रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं, एक दिल्ली से आपका स्पीकर क्रू आया था, कला केंद्र के बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया, अल्फला कॉलेज के बच्चों ने परफॉर्म किया, एक रावल कॉलेज के बच्चे भी अभी आप देखोगे अभी परफॉर्म करेगा। वो बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चे गेस्ट में हमारे पास आए थे, डॉक्टर मलकीत सिंह YMCA से आए थे, वो इज़ डीन ऑफ वेलफेयर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे पास आए थे मिस्टर वीरेश गुप्ता, IIT से हैं, रिटायर्ड हैं। वन इज़ सोनाली मैम, वो स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है फरीदाबाद का, उसकी हेड है, एंड मैनी अदर पीपल्स आर देयर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पीरियड में जो उन्होंने लूज़ किया है, अभी जो उनको मौका मिल रहा है कि अपना टैलेंट को दिखाना, शेयर करना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सारे एक साथ काम करते हैं बच्चे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने जूनियर को मोटिवेट करो, क्योंकि हर बैच का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद को आने वाले जनरेशन को सिखाएं, तैयार करें, तो लिमिटेशन जो है एक छोटा सा गेम ही होता है, उसको अपने अपने परफॉर्मेंस के साथ को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कॉलेज को सबके रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। So now proceeding the very first game, so we want everyone to hear, look here. Technology YMCA से. So going with the rules, we will simply say a dialogue and you have to guess the name of the movie. सर, यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है 2 साल के बाद जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं कोरोना काल के बाद? बच्चों की परफॉर्मेंस मैंने देखी है,
बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जो है वो स्टेज पे दे रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को जो उनका ऑफलाइन ऑनलाइन मोड था उससे बाहर निकलने के लिए। तो अगर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटिंग कॉलेजेस इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी प्रोत्साहन करें, और ये चीज़ें जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को? मैंने अपने स्पीच में भी जैसे बताया है कि बच्चों के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो वही करें जिसको करने से उनको खुशी प्राप्त हो रही है, और दूसरा वो अपने आप पे विश्वास रखें। तो अगर ये दो चीज़ें बच्चे कर रहे हैं और ज़रूर उनको आगे चल के सफल करना है। बच्चों को कॉन्फिडेंस देखने को मिला, ये जो स्टेज है बच्चों को जब स्टेज पर आते हैं तो उनका जो आत्मबल है बढ़ता है इसमें आने से। तो स्टेज इसीलिए बनाया जाता है कि स्टेज पर बच्चे पहुँचें और उनके अंदर जो प्रतिभा है वो जन जन तक पहुँचे। तो बेहतर तो इसीलिए आयोजित किया गया है कि इनमें जो छिपा हुआ जो टैलेंट है वो टैलेंट जन जन तक पहुँच सके, इसलिए इतना सुंदर आपने देखा होगा ये आयोजन किया गया है और प्रतिवर्ष ये कॉलेज आयोजित करता है। तो आपके माध्यम से मैं हर बच्चे से अपील करना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और ये जो आयोजन है इसको सफल बने। मेरा नाम ज्योति सिंह, मैं CSE का स्टूडेंट हूँ, और हम लोगों ने क्लास ऑर्गेनाइज कराया और लाइक हमने पूरा बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज कराया, लाइक इससे बेस्ट हमें नहीं लगता आसपास किसी भी कॉलेज में कभी हुआ। बेस्ट आपने अपना बेस्ट दिया है यहाँ पर, 100% बेस्ट दिया, लाइक हम पिछले एक या मोर देन एक महीने से लगे हुए हैं इसके पीछे। आज परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख रही हैं कैसा लग रहा है, बॉयज भारी पड़ रही है या फिर गर्ल्स? सर ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर सबकी कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छा बेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड एक्चुअली यहाँ पे बहुत लाइक फेमिलियर सा भी फील हो रहा है, हम लोग अपना भी अगर आइडियाज वगैरह पुट करते हैं तो वेलकम किया जाता है, एंड ऐसे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के बहुत। मेरा नाम सुमित डांग, मैं CSE डिपार्टमेंट से। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम देख के आपको? लग रहा है बहुत अच्छा फेस्ट हो रहा है, हमारा सभी को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, तो पर वैसे भी 2 साल के बाद हो रहा है तो अपने आप में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ चुके हैं। मेरा नाम अभिजीत माइती है और मैं एंकर हूँ, मैं फेस्ट में आज कल हूँ। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्टूडेंट्स आए हैं और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, ऑडियंस भी बहुत अच्छी है और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। 2 साल बाद हमारे कॉलेज में फेस्ट हो रहा है। तो आपने कोई पार्टिसिपेट भी किया है इस प्रोग्राम में? जी हाँ, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम अमनदीप है, एंड यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को फील होकर, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स हम जाके ऑफलाइन मोड में हुए हैं कोविड की वजह से, जहाँ सारा ऑनलाइन था, बट अब जैसे ऑफलाइन हो रहा है तो हमने फेस्ट करवाया, हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बच्चे हैं तो हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा हो रहा है, नॉलेज उनकी हमारे को मिल रही है और उनके हम उनसे थोड़ी देर, तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। आपने कल से क्या पार्ट निभाया है? मेरा ओवरऑल कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर, हम 4 मेन कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो हमने ये सारा का सारा जैसे टेंट वेंट अरेंज करवाना, कौन से कॉर्डिनेट इवेंट्स कब होंगे, सारा का सारा हम अरेंज करवाए। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल, लाइक आई लर्न टीम एंड वी हैड केप्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दिस टाइम, सो इट वाज गुड बीइंग द कोऑर्डिनेटर, लाइक आई एम लर्निंग दैट आल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट इवेंट वी प्लान टू हैव अ फ्यू मोर थिंग्स इन आवर माइंड, सो यस वी विल ओपन दैट। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस।